एक्सीडेंट मेरा पहले 2014 में हुआ था, जैसे कि बाइक एक्सीडेंट। सुबह करीबन 5:30 बजे मैं एक्चुअली जा रहा था कामाख्या मंदिर के लिए। रास्ते में मेरे एक दोस्त को बाइक दिया चलाने के लिए, वो क्या क्या उसको चलाना नहीं आता, मुझे पता नहीं था, वो गियर बॉक्स पूरा ख़राब कर दिया। तो मैंने बोला आज छोड़ दो भाई, आ जाते। फिर सुबह बैक करने के टाइम क्या हुआ, उलूबड़ी फ्लाईओवर के सिटी बस आया साइड से, सिटी बस साइड से पूरा, तो फ्लाईओवर के साइड में ये है ना क्या बोलते हैं उसका, ट्राइंगल शेप का जो रेलिंग है उससे पूरा घिस के चला गया 10 मीटर ऐसे। तो उसकी वजह से मेरा यहाँ का जो बोन है वो टूट गया और नीचे थोड़ा काट गया था। तो फिर मेरा, मैं देखा, उठ के देखा हूँ कि मेरा पैर नहीं जा रहा है। तो फिर मैंने क्या करूँ, उसके टाइम एक लड़का आया मारवाड़ी लड़का, तो उसको बोला भैया एक ऑटो बुला दो ना, तो वो ऑटो बुला दिया। मैं उसको लेके, ऑटो को लेके नेम केयर हॉस्पिटल आया। फिर नेम केयर में उस दिन मेरा बेड लग था, डॉक्टर नहीं है। तो फिर उन्होंने, डॉक्टर ने बोला मुझे आज एक काम करो, आप GMCH चला जाओ। तो GMCH गया, GMCH जाने के बाद उस दिन डॉक्टरों का स्ट्राइक था, तो डॉक्टर का स्ट्राइक होने में कोई ऑर्थोपेडिक सीनियर ऑर्थोपेडिक है ही नहीं, सब जूनियर था। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को कुछ लगा दिया, रॉड वगैरह कुछ लगा के, एक्सरे वगैरह करके, सिटी स्कैन करके रख दिया ऐसे। उस दिन कुछ नहीं हुआ मेरा। नेक्स्ट डे जब उनको मुझे पता चला कि मेरा नीचे सेंस नहीं आया, तो मैंने डॉक्टर को बोला सर यहाँ पे तो ऐसे हो रहा है। तो बोला अच्छा ऐसे हो रहा है, तब जाके उन लोग याद आया कि उसका नर्व भी डैमेज हो सकता है। तब जाके उन लोगों ने फिर से सिटी स्कैन करवाया, तो उनको पता चला कि मेरा नर्व कट गया। तो फिर उन्हें उसी रात को उन लोगों ने ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि अलग बखनेट को दियो, ये मुझे कहते जो भगवान से प्रार्थना करा। मैंने तब उनको पूछा अगर नहीं होता, सक्सेस नहीं होता आपका ऑपरेशन, तब क्या होगा, तो काटना पड़ेगा। उन्होंने कितना, तो उन्होंने बोला सिर्फ टो का जो ये फिंगर है, ये 4 या 2-3 ये इन्फेक्शन हो गया आपका, ये काटना पड़ेगा। मैंने बोला अभी काट दो सर। बोला ऐसा नहीं, हम ऑपरेशन किए देख लेते, एक दिन देख लेते क्या होता है। मैंने बोला सर इन्फेक्शन तो बढ़ जाएगा ये, तो नहीं देखते फिर भी। तो सुबह तक मेरा पूरा इतना तक इन्फेक्शन हो गया। तो नेक्स्ट डे मैं जिस कंपनी में था, बायोकॉन लिमिटेड, तो मेरा मैनेजर वगैरह सब आया, देखा कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उन लोगों को भी पता चला। तो फिर मेरे को कलकत्ता शिफ्ट कर दिया। कलकत्ता जब गया था मेरा पूरा इतना तक पूरा इन्फेक्शन हो गया था। तब डॉक्टर जो था राजीव बसु, तो राजीव बसु सर आपका तो काटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है हमारे पास, तो इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया। फिर मैंने बोला सर नहीं बचा लो, देखते हम क्या करते। फिर जहाँ से काटा वहाँ से मतलब टूटा था, वहाँ से वहीं से ही काट दिया पूरा। फिर उसके दिन तो 2-3 दिन मन ख़राब था, क्या करें, पैर चला गया, जिसको भी देखता था ऐसे दो पैर से आ रहा था, जिसको भी देखता था मेरा मतलब पूरा मन ख़राब था। अरे मेरा साथ ही होना था ऐसे ऐसे सोच रहा था। दो दिन बाद अपने आप एक नर्स था, उसका आँख नहीं हुआ, एक आँख में उसका बचपन में ऐसी थी। तो मतलब ये डुप्लीकेट ये बोलते हैं ना, हैदराबाद में मिलता है सर, उस अलग किसी का लगा लिया। तो बोलते तो आफ्टर 16-17 ईयर्स उसका ये पर्सन टोटली डैमेज हो जाएगा, तो उसका आँख नहीं है, वो देख नहीं पाएगा। फिर तो कुछ तो मैं क्यों नहीं दे सकता, मेरा दिमाग में तो यही आया। तो ठीक है कोई बात नहीं, देखते। तो फिर डॉक्टर को पूछा सर बाद में क्या होगा मेरा, नेक्स्ट मैं चल पाऊँगा। बोला तब मुझे वो राजीव बसु ने आपका कलकत्ता का जो ये था एंड्रोलाइट का, उसी के बारे में बताया, दिखा मेरे को फोटो दिखाया, तो उसको वहाँ पर जाओ, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब मैं ऑपरेशन के बाद जब नेक्स्ट 2-3 मंथ्स बाद मैं गया था वहाँ पर, तो आके फिर वहाँ वहीं से पता नहीं चला यहाँ के यहाँ पे है। फिर मैं घर पे आया, घर पे आके सर्च करके पता चला कि यहीं पे एंड्रोलाइट का ये है। फिर जब पेड़ लगाया उसके बाद मुझे मतलब पेट का ये मिल गया था। फिर मतलब मुझे देखा राकेश बोनिक जैसे मतलब बहुत सारे साइकिल चलाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो मुझे भी आया कि मैं भी करूँ कुछ। तो मैं राकेश भैया से बात किया, तो राकेश भैया मुझे साइकिल चलाना, बोला हाँ चला सकते हो। तो यहीं पर फिर नेक्स्ट डे उनका साथ पहले बार यहीं पर मैं उसका पहले फ़ोन से ही बात हुआ, बोला ठीक है तुम ये करो साइकिल मिल जाएगा। तो मैंने बोला सर साइकिल को कैसे चलाना पड़ेगा, ये पैर तो रुकेगा नहीं, आपने ट्राई किया? मैंने बोला नहीं। फिर ट्राई करो एक बार, मैं ट्राई किया गिर गया, तो आ जाओ तुम मैं ये करता हूँ। फिर हैदराबाद जाके आदित्य मेहता फाउंडेशन से एक साइकिल मिला मेरे को, तो राकेश भैया ने ये करके दिया। फिर आया राकेश भैया का घर पर गया, उनके साथ पहले बार मैं साइकिलिंग किया था, तो उनके साथ बहुत टाइम किया। फिर मैंने घर जाके अपने आप ट्राई किया साइकिलिंग के बारे में। फिर मैं सोचा था साइकिलिंग कर सकता हूँ तो और कुछ भी कर सकता हूँ,
जिम ज्वाइन किया, जिम देखो थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेकिन अपना कंसंट्रेशन अगर रखे कोई भी आदमी कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने ये लॉन टेनिस, बच्चे लॉन टेनिस में ट्राई किया, ठीक है। साइकिल, बाइक, स्कूटी सब मैं मतलब नॉर्मल, जैसे अभी मैं सोचता हूँ मैं कुछ नहीं हुआ, मैं नॉर्मल बंदा जैसे हूँ, जैसे आप है मैं भी हूँ। मतलब ये इसका मतलब मैं पहले जैसे सोचता था इसका मतलब मेरा क्या हो गया ये सोच मेरा नहीं है अभी, तो जैसे आप है जैसे मैं भी हूँ। आपको मतलब एडमिट के बारे में किसने बोला था? वही डॉक्टर ने बताया था मुझे पहले, मैं उसी के बाद ही मैं कलकत्ता ब्रांच पे गया उन लोगों का। फिर ये पे मैं गूगल पे सर्च किया, देखा गुवाहाटी पे भी है, तब उनसे फ़ोन किया। फिर उनका ये क्या नाम था उसका, राजेश से बात किया, राजेश ने बोला है यहाँ पे आप यहाँ पे भी करा सकते हो। तो फिर उनसे बात किया, पहले बात किया था उनसे, फिर राजेश से बात करके वहीं पर एक्सीडेंट का मेरा हुआ था 2014 का मई, अप्रैल का 17 में हुआ था, मई में ऑपरेशन हो गया। फिर ये लगा हुआ 2015 का फेब्रवरी, ये प्रोस्थेसिस यूज कर रहा हूँ 2015 का फेब्रवरी में, अभी कम से कम करीबन 4 साल प्लस है। आपको अभी कैसा लग रहा है, फीलिंग है या मतलब पहले कैसा था अभी? मैं यही मतलब आपको वैसे मतलब अभी तो ऐसे लग रहा है कि मैं मतलब आपके और मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं जब नॉर्मल बंदा हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में, कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। कुछ तकलीफ तो अभी नहीं है, पहले जैसे थोड़ा थोड़ा होता अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी ये रखना पड़ता है, आर्टिफिशियल है थोड़ा ध्यान कंजर्वेशन उस पर रखना पड़ता है, वो तो रखना ही पड़ेगा। अभी अगर कोई भी नया आदमी आया कोई भी कितना टाइम लगता है मतलब करने के लिए? अच्छा मतलब सबसे बड़ी बात है कोई भी आदमी लगा सकता है, क्योंकि उसका माइंड किस तरह जरा उसका कंजर्वेशन और वो मैं कोशिश मेरा क्या होगा, उसका जो सोच है वो सोच अपना कॉन्फिडेंस का ऊपर अपना कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा पहले, उससे मैं कुछ नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस कुछ भी कर सकता है आदमी, उससे मतलब कम से करीबन पहले एक सप्ताह दो सप्ताह या दो महीना उसका प्रॉब्लम होगा कि नया लगा रहा है, नया कोई भी चीज़ हो आपको प्रॉब्लम होता है नया लगा रहा है, फिर सोचे धीरे धीरे उसका भी आदत हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ। मतलब मेरा एक्सीडेंट